हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल सो फाइव मिनट ब्यूटी क्राफ्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्लोविया के कुछ ऑफर्स जो कि आप देख सकते हैं अप टू सेवेंटी परसेंट ऑफ़ चल रहा है नाइट वेयर पर एक्स्ट्रा ट्वेंटी फाइव परसेंट भी ऑफ मिलेगा आपको वन टवेल्व हंड्रेड नाइन्टी नाइन अक्रॉस साइट पर ऑल्सो आप क्लोविया का ये जो कोड है ना ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सी एल ओ वी टी डी ट्वेंटी फाइव ये यूज़ करेंगे तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा आपके तेरह सौ के ऑर्डर के ऊपर में एंड साथ ही साथ आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है पार्टनर कोड अंजलि फोर टू सिक्स आपको ये कोड भी यूज़ करना है और ये कोड दोनों ही कोड आप यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लाइक आराम से पाँच सौ से छः सौ तक का डिस्काउंट आपके तेरह सौ के ऑर्डर पे मिल जाएगा लाइक आप बहुत लाइक ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट पे इन प्रोडक्ट्स को ट्राई बाय कर सकते हैं एंड मेरा कोड यूज़ करें अंजलि फोटो सिक्स एंड स्किन केयर पे आप ये सी बी सिक्स यूज़ कर सकते हैं कोड तो काफ़ी अच्छे अच्छे कोड्स हैं लॉन्जरे पे भी है आप देख सकते हैं फोर ब्रा एट सेवन नाइन्टी नाइन एक्स्ट्रा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ तो ये दोनों कोड आप मेरे लाइक लॉन्जरे पे भी यूज़ कर सकते हैं ये मेरे कोड एंड नाइटवेयर पर भी तो जो भी आप लेना चाहते हैं क्लोविया पर ज़रूर चेकआउट करें एंड अब हम स्टार्ट करते हैं फाइव मिनट ब्यूटी क्राफ्ट के साथ सो so, आज हम टेस्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली ब्यूटी क्राफ्ट के जो ये वीडियोज़ होते हैं ये एक्चुअली में सही होते हैं या फिर बेफ बनाते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि इसने फेशियल ऑयल यूज़ किया अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे तो मैंने भी यार एक डैम पे ब्यूटी ब्लेंडर लिया है इसके ऊपर मैंने अपना एक फेशियल ऑयल डाला है दो ड्रॉप आप डाल सकते हैं एंड देन आपको इसके उप, उसी के ऊपर डाल देना है अपना फाउंडेशन तो मैंने ये अपना फाउंडेशन लिया है ये मैंने इसलिए लिया है हुडा का क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना ड्राई होता है लाइक यू नीड फुल मॉइस्चराइजिंग ऑन योर स्किन तो मैं देखना चाहती थी कि एक्चुअली में फेशियल ऑयल के साथ अच्छे से मर्ज हो पाता है ये ट्रिक या नहीं तो इस ट्रिक को करने से क्या होगा कि आपका जो बेस है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज एंड फ्लॉलेस लगेगा तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं आ, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी जब मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे लगा कि जो फाउंडेशन था ना वो जब अकेले जब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं बट जब आप एक ऑयल अपने फेशियल ऑयल के साथ कर रहे हैं तो काफी अच्छे से ब्लेंड हो रहा था तो मुझे जो बेस था वो काफ़ी स्मूद एंड बहुत ईजी लगा ब्लेंड करने में तो ये वाली ट्रिक जो थी बेस्ट थी देन सेकेंड वाला जो है इसमें आपको थ्री ड्रॉ करना है अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए एक कॉन्टोर स्टिक से तो आपको जो फेस है वो थोड़ा सा चिजड़ लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फेस को काफ़ी ज़रूरत है कॉन्टोलिंग की तो मैंने भी एक ये स्टेकर्की का ये ब्राउन स्टिक लिया एंड कॉन्टोर स्टिक एंड मैं अपने फेस को इस पर थ्री बना देती हूँ एंड इसको आपको ब्लेंड करना है आप ब्लेंड ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं एंड ब्रश से भी कर सकते हैं तो मुझे ईजी ब्लेंडर से लगता है तो मैंने इसे ब्लेंड किया एंड एक्चुअली मैं जब मैंने अपने फेस को देखा शीशे के सामने तो मैं देख सकती थी कि मेरा जो राइट right साइड है वो काफ़ी ज़्यादा फूला uh, हुआ लग रहा था इन कम्पेयर टू लेफ़्ट लेफ्ट काफ़ी ज़्यादा चिजेंट लग रहा था सो so, या yeah, ये ट्रिक अच्छी थी थर्ड वन ट्राई कर रहे हैं कोकोनट ऑयल अप्लाई करें अपनी स्किन पे एंड आप अपनी लिपस्टिक अप्लाई करें तो वो काफ़ी इजीली ब्लेंड हो गया एंड काफ़ी नेचुरल लुक देगा अगर आपका ब्लश ख़त्म हो गया है तो तो ठीक है मैंने एक ऑयल लिया और अच्छे से अप्लाई करा एंड देन मैंने लिपस्टिक लगाई तो ये जो प्रोसेस प्रोसीजर था इतना इसमें मेरे को ब्लेंड बहुत ईजीली हो रहा था वो तो जो है सच बात की बहुत इजीली हो रहा था ब्लेंड लिपस्टिक आपके चीक्स पे एंड काफ़ी नेचुरल लुक दे रहा था ये तो ये जो लुक है ना ये उस लुक पे बहुत अच्छा लगेगा जब आपका जो बेस है ना बिल्कुल हैवी नहीं है अगर आपने बहुत कंसीलिंग किया बहुत हैवी फाउंडेशन लगाया है उसके ऊपर अगर आप ऑयल लगाओगे ना तो आपका फाउंडेशन पिघल जाएगा और रिमूव हो जाएगा ये चीज़ मैंने अपनी स्किन पे देखी थी क्योंकि फाउंडेशन थोड़ा हैवी था एंड जो फाउंडेशन था ना वो थोड़ा थोड़ा हट रहा था बिकॉज ऑफ ऑयल जब मैं ब्लैंड करी थी फिंगर से तो ऐसा लगा फाउंडेशन हटा हुआ है तो ये आप बहुत ही हल्के बेस के साथ अगर आप इस ऑयल को ट्राई करके ब्लश लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा देन फोर्थ ट्रिक जो है वो ये है कि आपका अगर लाइनर कहीं से भी निकल गया है तो आप उसको टेप लगा के रिमूव कर देंगे एक्स्ट्रा को तो वो टेप के थ्रू निकल जाएगा एंड बिल्कुल प्लेन हो जाएगा तो ये ट्रिक हमने भी की एंड मैंने जानबूझ के एक और लाइन ड्रॉ करी अपने लाइनर में आप देख सकते हैं जस्ट टू चेक किए एक्चुअली है कि ए, में हो की नहीं तो इसमें टेप कभी भी आईज के पास लगाएं तो बिल्कुल ध्यान से अपने लैशेस से दूर क्योंकि लैशेस बहुत नाजुक होती हैं और वो खिंच सकती हैं तो बहुत आराम से मैंने टेप को अपने लाइक वाटर लाइन की तरफ लगाया लैशेस से बचा के एंड मैंने रिमूव किया तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आई निकला है बट पूरा आई नहीं निकला है मार्क दिख रहा था आई का तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बारी मैं नहीं निकला दूसरी बारी ट्राई करते हैं दूसरी बारी में भी ये नहीं निकला था एंड देन मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड करने की भी कोशिश की बट ये नहीं हुआ इसके ऊपर आपको कंसीलर या फाउंडेशन uh, लगाना पड़ेगा फिफ्थ वन में क्या था कि अगर आप अपना मस्कारा सीधे सीधे लगाएंगे उससे ज़्यादा अगर आप उसको ऐसे रब करेंगे अपने आई लैशेज़ पर तो वो ज़्यादा हैवी आपको लैशेस देगा तो फर्स्ट वन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मस्कारा भी मैंने लिया है ऐसा डाउट नहीं था कि मस्कारा खराब है मैक का मस्कारा लिया है एंड इसको एक तरफ़ मैंने सीधे सीधे किया है जैसे सब करते हैं एंड एक तरफ ऐसे रब करके किया है अपने लाइक uh, like, आइस को स्ट्रेच करके और फिर ऐसे रब किया एंड मैंने ट्राई किया एक तो इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी जब मैं रब कर रही थी तो ऐसा लग रहा था आँख में जा रहा था वो प्रोडक्ट रब हो हो के दो बार मेरे को एकदम जोर से लगी थी मेरे आँख में तो आप देख सकते हैं मुझे ज़ीरो डिफरेंस दिखा जैसा दो राइट था वैसे ही लेफ्ट था तो कुछ खास लाइक डिफरेंस नहीं था तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे प्रोसीजर देन ये जो था ना ये बहुत ही लाइक like, वाहियात था आ, बट चलिए देखते हैं कि इसमें इसने मेहंदी लगाई है अपने लिप्स पे लाइक हिना जिसमें कि आप कहीं पे भी लगाओ तो वो कलर पे ऑफ आपके लिप्स पे दे देगा एंड मैंने भी मेहंदी लगाई थी अपने लिप्स पे आ, तो सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा लाइक अनटाइडी वर्क था बिल्कुल भी हिना की जो लाइक कीप थी उससे तो अच्छे से लग नहीं रहा था तो फिंगर का आपको यूज़ करना पड़ेगा पहले तो या फिर कोई छोटा सा ब्रश ले लें तो उससे पहले अप्लाई किया एंड अप्लाई करते ही जो मेरे लिप्स थे वो एकदम आग लेस लग रहा था मेरे लिप्स पे फायर लग गई है आग लग गई है एंड इट वाज बर्निंग लाइक हेल बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा था मेरा लिप्स एंड मैंने शायद एक मिनट भी नहीं रखा था इसको और मैंने रिमूव कर लिया था क्योंकि लिटरली मेरे लिप्स जल रहे थे तो uh, मैंने फटाफट लाइक विद इन थर्टी सेकेंड्स रिमूव कर दिया था एंड आई वो सरप्राइज़ आप देख सकते हैं मेरे लिप्स एकदम औरेंज टेंटेड हो गए हैं तो इसमें आपको लिप्स टिकलाने की जरूरत नहीं है बहुत ही अच्छा लग रहा थे लिप्स तो ये ट्रिक अच्छी है बट आई डोट नो मेहंदी में दिक्कत थी या फिर मेरे लिप्स को सूट नहीं किया तो फर्स्ट पैच टेस्ट करें एंड देन आप ट्राई करें इस वाले ट्रिक को एंड ये था सिक्स ट्रिक जो कि फ़ाइव मिनट हैक का मैंने ट्राई किया था एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो कुछ ट्रिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं कुछ ट्रिक्स हैं जो ओके ओके हैं तो ये मैं आगे और भी वीडियो जैसे करने वाली हूँ फ़ाइव मिनट क्राफ्ट के ब्यूटी हैक्स ट्राई करेंगे सो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट दी लाइक बटन एंड क्लोविया के जो लाइक वेबसाइट है इसको ज़रूर चेकआउट करें और मेरा कोड को एंड मेरा कूपन को ट्राई करें और शॉपिंग करें थैंक यू बाय